बॉलीवुड को इस बार क्यों दो सिंघम 3 देखने को मिलेंगे? दोनों फिल्मों का बजट 200 करोड़ क्यों रखा जा रहा है? क्या ये दोनों फिल्में दबंग 3 से बेहतर होंगी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने कई सुपरहिट फिल्में साथ की हैं। सिंघम उनकी लोकप्रिय सीरीज है, इसके दोनों भाग बेहद सफल रहे थे। अजय देवगन और रोहित ने लंबे समय से साथ काम नहीं किया है, लेकिन अब वो साथ काम करने जा रहे हैं। रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म दिलवाले और अजय देवगन की शिवाय बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन भी नहीं कर पाई, तो ऐसे में जरूरी है कि ये जोड़ी फिर से साथ काम करे। अजय और रोहित के फैंस ये जानकर खुश हो सकते हैं कि दोनों ने सिंघम 3 की प्लानिंग कर ली है। फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है और 2019 के अंत से शूटिंग शुरू कर 2020 में फिल्म को रिलीज किया जाएगा। रोहित और अजय का मानना है कि सिंघम के रूप में अजय बेहद लोकप्रिय है। ये ऐसी सीरीज है जिसकी फिल्में देखना दर्शक बेहद पसंद करते हैं। अजय देवगन इसमें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं और ये फिल्म पुलिस की छवि को भी उज्जवल करती है। वहीं आपको बता दें कि सिंघम 3 में अजय देवगन नए विलेन से जूझते नजर आएंगे। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की सिंघम सीरीज में अब हमारे पाजी यानी कि सनी देओल नजर आने वाले हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ जो सिंघम जैसी हिट सीरीज से अजय देवगन ने दूरी बना ली है। दरअसल यहाँ मामला कुछ और है। दरअसल अब बॉलीवुड में दो सिंघम 3 बनेंगी, एक जिसमें रोहित शेट्टी निर्देशित करेंगे और उसमें हमेशा की तरह अजय देवगन बेहद कड़क पुलिस वाले सिंघम की भूमिका निभाएंगे, तो दूसरी सिंघम 3 का निर्माण जयंती लाल गाड़ा करने वाले हैं, जिसमें सिंघम की भूमिका में सनी देओल को फाइनल कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि एक ही नाम से दो फिल्में क्यों बनाई जा रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। दोस्तों, सनी देओल को लेकर बनने वाली फिल्म सिंघम 3 के को प्रोड्यूसर जयंती लाल गाड़ा ने NavBharatTimes.com से हुई बातचीत में बताया, सबसे पहले तो मैं फिल्म के नाम को लेकर एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि लोग इसे सिंघम 3 कह रहे हैं, लेकिन हम इस फिल्म को S3 के नाम से रिलीज करेंगे। हमारी फिल्म S3 तमिल में बनी फिल्म सिंघम का तीसरा भाग है, जिसके तीनों भाग का निर्देशन हरी ने किया है। तमिल में पहले भाग का नाम सिंघम था, दूसरे भाग का नाम सिंघम 2 था और तीसरे भाग का नाम S3 था। हम इसी तमिल में बनी S3 को हिंदी में बनाने वाले हैं। S3 में सनी देओल सूर्या की जगह कड़क और ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाएंगे और फिल्म का निर्देशन रविचंदन करने वाले हैं। फिल्म की हीरोइन के लिए अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई है। फिलहाल फिल्म की कहानी को हिंदी में लिखने का काम किया जा रहा है। खबरों की माने तो S3 को साइन करने से पहले सनी देओल ने अजय देवगन से बात की और बताया कि वो सिंघम 3 और S3 में काम कर रहे हैं। उन्होंने अजय देवगन से सिंघम नाम का कहीं भी प्रयोग ना करने को कहा। अजय देवगन ने भी उनकी बात मान ली है। दोस्तों, एक्शन से भरपूर सिंघम 3 एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी होगी जो अपने साथी की जान लेने वाले को ढूंढ रहा है। हत्यारे को ढूंढते समय उसका सामना ठग और अपराधियों से होता है। सिंघम के दोनों हिंदी भाग में अजय देवगन ने सूर्या की तरह लुक अपनाया था। अब ये देखना सचमुच दिलचस्प होगा कि अता माजी सटकली जैसे संवादों के साथ लोकप्रिय सिंघम का किरदार सनी देओल किस तरह निभाएंगे। क्या सनी भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे या सनी देओल का अपना अलग स्टाइल होगा? वेल, ये देखने के लिए तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये खबर सुनने के बाद आप लोग कितने एक्साइटेड हैं सनी देओल को सिंघम के रूप में देखने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।